आज जो आपके शरीर और दिमाग के बारे में जानने वाले हो, तो उससे आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहना। आपको लगता है कि आप शरीर के बारे में सब कुछ जानते हो, है ना। रिसर्च से पता चली शरीर के बारे में इफेक्ट इतने अमेजिंग है कि आप 100 के कारण बेहोश हो जाओगे, इसका डर है मुझे, इसलिए एम्बुलेंस तैयार रखना। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 28, दिमाग के अंदर की रफ्तार यानी ब्रेन न्यूरॉन कम्युनिकेशन स्पीड। आपके दिमाग के अंदर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से आपस में संपर्क करता है, और अगर इस सिग्नल की स्पीड को मापे तो आता है 400 किलोमीटर प्रति हॉर्स, यानी इस दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन की स्पीड की गति से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से आपस में संपर्क करता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, बिजली आपके दिमाग में चलती रहती है। कितनी अजीब बात है कि दिमाग के अंदर इतनी स्पीड से बिजली के जरिए इतना कुछ होते रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। और दिमाग की इस दुनिया की इकलौती ऐसी मशीन है जो इतना कुछ करते हुए भी जरा सी भी आवाज नहीं करती। नंबर 27, आपके दिमाग के अंदर की रसायन की संख्या यानी नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इन योर ब्रेन एवरी सेकेंड। क्या आप जानते हो कि आपके दिमाग में एक सेकंड में कितने केमिकल रिएक्शन होते हैं? 1,00,000। जी हाँ, 1,00,000 केमिकल रिएक्शन हर सेकंड आपके दिमाग में होते हैं, और उसी के चलते आप जिंदा हो। अगर उसमें से एक भी केमिकल रिएक्शन ना हो तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, इतनी बारीक होती है हमारी शरीर। नंबर 26, आपके शरीर का खून हजारों किलोमीटर दौड़ता है यानी ब्लड ट्रेवल्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर डे। आप तो ये जानते होंगे कि हमारे शरीर में खून दौड़ता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जो कि हमें जिंदा रखता है। पर क्या आपको पता है कि खून कितना डिस्टेंस कवर करता है? इससे अगर हम मापे तो कितना आएगा, एक दिन में आपके शरीर का खून लगभग 19,312 किलोमीटर दौड़ता है। मतलब कि भारत से यूएसए यानी अमेरिका, इससे भी ज्यादा डिस्टेंस आपका खून दौड़ते दौड़ते एक दिन में कवर करता है। नंबर 25, दिमाग की क्षमता यानी ब्रेन स्टोरेज कैपेसिटी। आपको तो मैंने इफेक्ट बताया है कि आपका आंख 576 मेगापिक्सल का होता है, पर क्या आपको पता है कि आपका दिमाग 2.5 पीबी का है? आप लोग कहते हो ना कि ये गाना 5 पीबी का है, ये फिल्म 2 जीबी का है। अब सुनो, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, टीबी पेटाबाइट। 1000 जीबी मतलब 1 टीबी, 1 टीबी का हार्ड डिस्क आपने देखा ही होगा, और 1000 टीबी मतलब 1 पीबी, जिसे कि पेटाबाइट कहते हैं। और आपके दिमाग में करीब 2.5 पीबी तक जानकारी भरा जा सकता है, जो कि अनलिमिटेड है, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो आधा पीबी का भी इस्तेमाल नहीं करता। इसके उल्टा जो साइंटिस्ट और जीनियस है वो नॉलेज भर भर के 1 पीबी तक इस्तेमाल कर लेते होंगे अपने लाइफ में, पर स्टडीज के हिसाब से 2.5 पीबी आज तक कोई यूज नहीं किया होगा। नंबर 24, एक दिन की सारी सांस यानी टोटल नंबर ऑफ ब्रेथ इन अ डे। आप सांस लेते रहते हो, पर क्या आपको पता है कि आप एक दिन में कितनी बार सांस लेते हो? तो इसका आंसर है कि करीब 23,100 बार। अगर आप एक जगह पर बैठकर अपने सांस को गिनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप इतनी बार सांस लेते हो, और आपको इसका अंदाजा भी नहीं। नंबर 23, एक दिन की धड़कन यानी टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट इन अ डे। अभी एक काम करो, अपने दिल पर हाथ रखो और जो अंदर धक धक हो रही है, आपका जो हार्ट है वो एक दिन में करीब 1,15,200 बार धड़कता है। इतनी बार होता है पर आप कभी इस पर ध्यान नहीं देते। नंबर 22, आप 5 साल से भी ज्यादा अंधेरे में जीतते हो यानी यू स्पेंड 5 years ऑफ योर लाइफ इन डार्कनेस। आप अपनी पल के झपकाते रहते हो, आप जब झपकाते हो तब देखना कि कुछ देर के लिए एक सेकंड से भी कम के लिए अंधेरा हो जाता है ना। तो आपके पूरे जीवन काल में जितने बार आपने पल के झपकाया है और झपकाओगे, उस झपकाने के चलते जो अंधेरा हुआ है उससे अगर जोड़ दे तो पूरे जीवन काल में करीब 5 साल अंधेरा में बिताते हो। नंबर 21, नसों की लंबाई। कई लड़के जिम में कहते हैं ना कि देखो मेरे हाथों का नस दिख रहा है, पर आपको तो पता ही होगा कि हाथों में ही नहीं पूरे शरीर से ऊपर से लेकर नीचे तक नस ही नस होता है, पूरी तरह से फैला हुआ होता है। तो अगर इस नस को आपके शरीर से बाहर निकाल कर रोड पर बिछाया जाए तो ये करीब 75 किलोमीटर तक फैलेगा। सोचो इतनी लंबी चीज दबे हुए रूप में आपके शरीर पर मौजूद है। नंबर 20, छींक की गति यानी स्पीड ऑफ स्नीज। आप छींकते तो जरूर होंगे, पर छींकने को आप स्लो मोशन में ऑब्जर्व करो। अगर इसकी स्पीड को मापो तो ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसलिए कहते हैं कि मुंह को कवर करके छींको, नहीं तो छींक दूर दूर के मौजूद इंसान तक भी सर्दी की वायरस आराम से पहुंचा सकता है। नंबर 19, सीमेंट की दीवार से भी ज्यादा मजबूत है आपकी हड्डी। आपका थाई यानी जांग का जो हड्डी है वो आपके पूरे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे मजबूत बोन है। अगर इसकी मजबूती को मापे तो ये पता चलता है कि इसकी मजबूती एक रॉकेट से भी ज्यादा होती है। मतलब आपके घर के दीवार से भी ज्यादा मजबूत आपके जांघों में मौजूद वो हड्डी है। नंबर 18, आपके पास 5 से भी ज्यादा इंद्रियां हैं यानी यू हैव मोर देन 5 सेंसर्स। वो सुपर पावर वाली इंद्रियां वो तो अपने आप में एक अलग दुनिया है, पर अगर साइंटिफिकली नजर से हमारे शरीर के अंदर देखे तो आपके पास 5 से भी ज्यादा सेंसर्स एक वर्ल्ड में साइंटिफिकली मौजूद हैं। 5 नहीं, आपके पास लगभग 20 सेंसर्स हैं। उनमें से कुछ ये हैं, थर्मोसेप्शन, मतलब आप अपने आसपास के गर्मी को थर्मल एनर्जी को इसी थर्मोसेप्शन के जरिए सेंस कर पाते हो। सेंस ऑफ टाइम, टाइम भी एक सेंस है। अगर हम इसे डीपली देखें तो आपको हर पल बिना घड़ी देखे भी पता चल रहा होता है कि हाँ इतने देर में ये किया तो इतना समय लगभग बीत गया होगा। तो
एक्चुअली में वो सेंस ऑफ टाइम के चलते होता है। इक्वली ब्रेव सेक्शंस, खड़े होकर आप चल पाते हो ये भी एक तरह का सेंस ही होता है। चलना कितना आसान और नेचुरल लगता है, पर अगर आपके दिमाग से इक्वली ब्रेव सेक्शन को हटा दूं तब आप चलने की शक्ति खो दोगे, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाओगे। प्रोप्रियोसेप्शन, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। आप अभी अपने आंखों को बंद करो, हाँ अभी करो, और अभी मैं आपको कुछ कह रहा हूँ कि अपने हाथों से अपने नाक को टच करो, पर आंख को मत खोलना, ओके। अब अपने कानों को टच करो, अब आंखों को खोल दो, तो यह देख पा रहे हो कि आप अपने आंख को बंद करके भी कौन सा पार्ट कौन से पोजीशन में है ये डिटेक्ट कर पा रहे हो। अगर मैं प्रोप्रियोसेप्शन को अगर आपके अंदर से हटा दूं तो आप कुछ सेंस नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि हाथ मेरे पैर के ऊपर से उगा हुआ है और मेरा गला मेरे उस जांग में है। मतलब इसी सेंस के चलते आप ये काम कर पाते हो, इसके बिना कुछ भी नॉर्मल नहीं रह पाएगा। नंबर 17, आपका फेफड़ा एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। आपने अपने फेफड़े की ऐसी फोटोज को तो जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने फेफड़े को फैलाओगे तो वो पूरी की पूरी टेनिस कोर्ट को कवर कर देगी। उसकी सरफेस एरिया इतनी बड़ी होती है। इतनी बड़ी जगह एक कंप्रेस्ड दबे हुए रूप में आपकी छाती के नीचे इतनी छोटी सी एक जगह पर एग्जिट करती है। नंबर 16, इंसान के मुंह के अंदर के अरबों जीवाणु यानी नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन योर माउथ। आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का पूरा ब्रह्मांड है और आपको पता भी नहीं है। अगर इन सारे बैक्टीरिया को गिने तो करीब 700 करोड़ होंगे। मतलब जितने लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, जो कि धरती पर पॉपुलेशन है 700 करोड़, उतने बैक्टीरिया सिर्फ आपके मुंह के अंदर है। नंबर 15, टंग प्रिंट यानी जीभ का छाप। आपने तो जरूर सुना होगा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। इस दुनिया में किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट एक नहीं हो सकता, पर क्या आपको पता है कि आपके जीभ का भी एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है जो कि और किसी के पास नहीं होता। मतलब कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास टंग प्रिंट होता है। नंबर 14, ब्लड ग्रुप्स। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए, बी प्लस, ओ। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं तो आपके दिमाग में शायद ये चार्ट आया होगा जिसमें ये ब्लड ग्रुप होते हैं, ए प्लस, ओ प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ए माइनस, ओ माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस। इतना ही हम लोग मैक्सिमम सुने हैं, पर क्या आपको पता है असल में ISBT यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसप्लांटेशन ने करीब 29 टाइप के ब्लड ग्रुप को पाया है। नंबर 13, डेमोडेक्स इन आई हेयर। आपके आंखों का जो बाल है वो आपकी आंखों को धूल से बचाता तो है, पर क्या आपको पता है कि आपके इसी बाल के ऊपर एक दानव रहता है जिसका नाम है डेमोडेक्स। इसके साथ साथ और भी कई तरह के जीवाणु आपके बालों में रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके शरीर के हर एक हिस्से पे जीवाणु का अड्डा बना हुआ है। अगर किसी माइक्रोस्कोप से आपके आंखों के बाल को देखें तब आपको ये नजर आएगा। मैं कहूंगा मत ही देखो, माइक्रोस्कोप से मत ही देखो, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि छी एक दूसरा जीव मेरे आंखों में रहता है। नंबर 12, आपका कान जिंदगी भर बढ़ता है यानी यूवर एयर विल कीप ग्रोइंग फॉरएवर। ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। आपका शरीर का हर पार्ट और हाइट बढ़ना तो बंद हो जाता है जब आप बड़े हो जाते हो, पर आपका ये जो कान है ये कभी नहीं रुकता, बड़े होने तक आकार में हमेशा बढ़ता रहता है। यहाँ पर लोग अपनी हाइट बढ़ाने के लिए परेशान है और यहाँ कान बढ़ते रहता है। अजीब दुनिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका कान इतना बड़ा हो जाएगा। नंबर 11, चमड़े का झड़ना स्किन शेड। हर एक दिन हर एक इंसान के करीब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख स्किन सेल्स झड़ जाते हैं। आपने बाल का झड़ना तो सुना ही होगा, पर चमड़े यानी त्वचा यानी स्किन का झड़ना कभी सुना है? 10 लाख स्किन सेल्स डेली यानी एक साल में करीब आपके शरीर से 2 किलो चमड़ा झड़ जाता है, और जो आप खाना खाते हैं उसकी हेल्प से नए स्किन सेल्स का जन्म होता है। नंबर 10, जिंदगी भर का खाना यानी लाइफ टाइम फूड मेजरमेंट। एक इंसान जितना खाना खाता है अगर हम उससे मेजर करें तो ये करीब 35 टन खाना होगा। मतलब आप कई ट्रक पर लदे खाने को अपने जीवन काल में खा लेते हो। नंबर 9, चलो रोते हैं कैरिंग टाइम। एक स्टडी में यह पता चला है कि लड़के एवरेज में साल में 17-20 बार रोते हैं और लड़कियां पूरे साल में एवरेज में 50-60 बार रोती हैं। लड़कियां एवरेज में ज्यादा इमोशनल होती है और यही इसका कारण है। नंबर 8, लड़कों का चेहरा वर्सेस लड़कियों का चेहरा। हर लड़के और लड़कियों के चेहरे पर क्रोजिन नाम का प्रोटीन होता है और यही वो चीज है जिसके चलते चेहरा जवान रहता है। लड़कों में ये क्रोजिन बहुत ही धीरे धीरे खत्म होता है और लड़कियों में ये झड़ने की रफ्तार थोड़ी ज्यादा होती है। इसका मतलब रिंकल्स और पिंपल्स के मामले में लड़कों से ज्यादा लड़कियां रिस्क पर रहती है। नंबर 7, लड़कियों का जीभ वर्सेस लड़कों का जीभ। जीभ में मौजूद टेस्ट बड उसे कहते हैं जिसके चलते हम किसी खाने का स्वाद ले पाते हैं। तो एक स्टडी में पाया गया है कि लड़कियों में टेस्ट बड ज्यादा होता है, इसलिए लड़कियां खाने को और अच्छी तरह से टेस्ट कर पाती हैं। नंबर 6, सब लोग एक समय लड़की थे। जी हाँ,
हम सब लोग एक समय लड़की थे। अब इसका साइंस तो बहुत ही पेचीदा है, पर आप बेसिकली ये समझिए कि माँ के पेट में जब बच्चा जन्म लेता है तब एक चीज होता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। नाम पर ध्यान मत दो, बस जान लो दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। एक्स और एक्स मिले तो लड़की, एक्स और वाई मिले तो लड़का, मतलब एक्स लड़की और वाई लड़का। पर माँ के पेट में शुरुआत के 5 से 6 हफ्ते वाई क्रोमोसोम एक्टिव नहीं रहता, इसलिए माँ के पेट में जब बच्चा बनना शुरू होता है तब शुरुआती लड़की से ही होती है। पर अब दो चीज हो सकती है, शुरुआत तो हो गई लड़की से, पर अगर बाई चांस वाई क्रोमोसोम एक्टिव हो गया तब लड़का जन्म लेता है और वाई एक्टिव नहीं हुआ तो लड़की। मतलब डिफॉल्ट मोड में हम सब शुरुआत के कुछ दिन लड़की ही होते हैं। नंबर 5, रंगों की पहचान। लड़कियों के लिए दुनिया ज्यादा रंगीली होती है, ये इसलिए क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम होती है लड़कियों वाले क्रोमोसोम उसी में आंखों की कलर प्रोसेसन की जानकारी मौजूद होती है। और जैसे कि मैंने पिछले वाले फैक्ट में बताया, लड़कों में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और लड़कियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए उनके अंदर कलर प्रोसेप्शन की पावर ज्यादा होती है और इसीलिए उन्हें ये दुनिया ज्यादा रंगीली दिखती है, लगभग 2 गुना ज्यादा ब्राइट। लड़कों अब एग्जैक्टली कैसे दिखती है ये तो आप इस जिंदगी में कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। और लड़कियां सुनो, आप बहुत लकी हो क्योंकि आपकी कंपैरिजन में लड़कों का कलर प्रोसेप्शन कम होता है। नंबर 4, बच्चों की ठीक करने की शक्ति। एन एम्ब्रॉय कैन हील द मदर। अगर माँ को कोई छोटी मोटी बीमारी है और उसके पेट में बच्चा है तो बच्चा अपने माँ को ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है अपनी शक्ति से। बच्चे के अंदर की सारी एलिमेंट्स माँ के अंदर जाती है थोड़ी मात्रा में, जिसके चलते ये होता है। बेबीज के अंदर सिस्टम सेल्स होता है जो कि माँ के टिश्यूज को ठीक कर सकता है, मतलब बच्चा माँ के पेट से ही उनका ध्यान रखता है। नंबर 3, सुबह सुबह आप ज्यादा लंबे हो जाते हो। यू बिकम टेलर इन द मॉर्निंग। क्या आपको पता है कि सुबह सुबह जब आप उठते हो तब आपकी हाइट 0.4 इंच ज्यादा होती है। दिन में चलते समय या अपना काम करते समय हम लोग रीढ़ की हड्डी पर वजन पड़ता है और हमारे शरीर के वजन के चलते वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है और शाम आते आते 0.4 इंच कम हो जाती है। और जब आप रात को सोते हो तब रीढ़ की हड्डी पर कोई वर्टिकल वेट नहीं पड़ता जैसा कि दिन के समय होता है, इसलिए तब वही रीढ़ की हड्डी वापस खुलने लगती है जिसके चलते वो वापस लंबी हो जाती है। जब आप सुबह उठते हो तब आप 0.4 इंच ज्यादा लंबे हो जाते हो। नंबर 2, आपके कान की अनोखी शक्ति यानी पावर ऑफ योर ईयर्स। आपका कान मिरेकल्स को सुन सकता है, मतलब आपका कान ये सेंस कर सकता है कि परमाणु स्तर पर कौन सा चीज क्या है। इस फैक्ट को टेस्ट करना चाहते हो तो अपने आंखों को बंद करो और अपने दोस्त को बोलो एक ग्लास में ठंडा पानी लाओ और दूसरे ग्लास में गर्म पानी, और उसे कहो कि एक एक करके वो उस पानी को ग्लास में डाले। आप आंख बंद करके ही बता दोगे कि कब गर्म पानी आपके दोस्त ने डाला और कब ठंडा पानी डाला। दोनों केस में पानी को ग्लास में ही डाला गया, पर जो अंतर था वो था पानी के मॉलिक्यूल्स के स्पीड में। इसलिए अपनी कान की शक्ति को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, आपका कान बहुत शक्तिशाली है। नंबर 1, हिचकी कितनी देर तक चल सकती है। हिकअप्स मतलब हिचकी ये आपकी आती ही होगी और जाती भी होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि हिचकी एवरेज में कितनी देर तक रहती है तो आप कहोगे थोड़ी देर तक, कुछ मिनट तक रहती है फिर चली जाती है। पर अब डरने के लिए तैयार हो जाओ। चार्ल्स ओसबोर नाम के एक इंसान, उन्हें एक दिन हिचकी आनी शुरू हुई और आपको पता है वो कब जाके रुकी? 68 साल के बाद। साल 1922 से लेकर 1990 तक वो हिचकी लेते रहे, दिन में पूरे दिन हिचकी और रात को सोते समय भी। वो सोते तो थे पर हिचकी के साथ। 68 साल तक इनकी हिचकी एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। हैरान मत होना, सबको नहीं होता। दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद से लेकर आज तक ऐसी कोई केस सामने नहीं आई। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।